हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने वाला हो एनपीसी प्लस लूट लोकेशन बहुत ही मज़ेदार कॉन्फिग फाइल है और मेन आईडी के लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। इस कॉन्फिग फाइल को यूज़ करना चाहते हो तो वीपीएन सेटअप प्रोसेस को देखना होगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे वीपीएन सेटअप वीडियो, ठीक है। उसको नहीं देखोगे और गेम खेलोगे तो बाद में आप लोगों का आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और कल आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा बंदे का हुआ है ब्लैकलिस्ट, आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ है और मैचिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरे भी आ रही है। और इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, उस आईडी को जो आईडी मैचिंग प्रॉब्लम आ रही है वो ब्लैकलिस्ट हो चुका है, ब्लैकलिस्ट में गया है, और उसको रिकवर करने के लिए आप लोग 4 दिन तक वेट करना होगा। उस आईडी को लॉग आउट करके रखना है और जब तक 4 दिन नहीं हो जाए तब तक लॉगिन नहीं करना है, और जब हो जाएगी 4 दिन तो आप लोग लॉगिन कीजिए और गेम को खेलो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो कॉन्फिग फाइल है आप लोग मेन आईडी में लगा के खेल सकते हो, लेकिन वीपीएन सेटअप करना होगा और वीपीएन की वीडियो सेटअप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। और दोनों पे वर्क करेगा, कॉन्फिग फाइल और ओबी फाइल। कोई भी ओबी फाइल यूज़ करता है, हेडशॉट ओबी फाइल या मैजिक बुलेट यूज़ करता है, उन लोगों को भी वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा आज से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। बिना वीपीएन यूज़ करने से भी गेम बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन अभी डिटेक्ट कर रहा है इसीलिए आप लोगों को वीपीएन यूज़ करना पड़ेगी और वीपीएन सेटअप को देखना ही पड़ेगी, ठीक है। आप लोग उसको नहीं देखोगे और गेम को खेलोगे तो बाद में दिक्कत आ सकता है। एक मैच भी बिना वीपीएन यूज़ करके स्टार्ट करोगे तो आपका आईडी 100% ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, और एक मैच भी बिना वीपीएन यूज़ करके कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, गलती से भी स्टार्ट नहीं करना है, बार बार बता रहे हो। और ऐसा नहीं करोगे तो मुझे मत बोलना कि मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है। और गाइस, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। और एक बार में आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो 2 बार देख लेना और वीपीएन सेटअप ज़रूर देखना, ठीक है।